ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती के पूजा के पावन पर्व पर आपको एवं आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में कुछ बातें बसंत पंचमी के बारे में बताया था, लेकिन भारत में और सारे कारण हैं जिस दिन बसंत पंचमी के दिन ही सरस्वती पूजा को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तीसरी मान्यता के अनुसार सरस्वती पूजा के ही दिन, इसमें इतिहासकारों का कहना है कि सरस्वती पूजा के दिन ही पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी का वध किया था। 16 बार, इतिहासकारों में थोड़ा सा मतभेद है, 16 बार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन 17वीं बार जब आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज पर, तो पृथ्वीराज पराजित हो गए। उनका आंख को फोड़ दिया गया, आंख से अंधा कर दिया गया। उनके साथ एक साथी थे, वो भी उनके साथ थे, तो उनको पकड़ के ले गया एक पहाड़ के नजदीक मोहम्मद गोरी और बोला कि तुमको शब्द वेदी बाण आता है, जो शब्द वेदी बाण के बारे में बताओ। और वहां पहाड़ पर चढ़ के वहां 1 घंटा उसने बजाया, तो उनके जो साथी थे वो बोले कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता परते सुल्तान है मत चूको चौहान। यहां से पृथ्वीराज शब्द वेदी बाण को छोड़ा तो वहां मोहम्मद गोरी के सीने में जा लगा और वो वही धराशायी हो गए। उसके बाद फिर पृथ्वीराज चौहान को भी सब यहाँ पर हत्या कर दिया, इसलिए कि मुगलों का शासन था। वो दिन भी बसंत पंचमी ही था, इसलिए बसंत पंचमी का खास महत्व इस कथा से भी जुड़ा हुआ है। और तीसरी बात है कि चौथी बात है कि दक्षिण भारत में जो दक्षिण गुजरात और मध्य प्रदेश के फैले जंगल के बारे में, दंडकारण्य के बारे में कहा जाता है कि उसी दिन माता सबरी के आश्रम में श्री राम पधारे थे और वहां एक शिला पर बैठ के वो जूठे बेर खाए थे। वो दिन भी बसंत पंचमी का ही दिन था। इसके कारण से वहां के जो आदिवासी लोग हैं, जंगली लोग हैं, उस शिला को पूजते हैं और उस शिला को पूज कर बसंत पंचमी के दिन वहां आशीर्वाद लेते हैं। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि माँ सरस्वती की पूजा को धूमधाम से मनाएं, ताकि आपको बल बुद्धि विद्या और जस में दिनों दिन बढ़ोतरी हो। जय माता दी।